तो भाई वन स्टार वर्सेस वन स्टार क्लाउड किचन वीडियो के ऊपर मल्टीपल डिमांड के बाद मैं एक बार फिर से लेकर लौटा हूँ वन स्टार वर्सेस वन स्टार रेस्टोरेंट का खाना। मुझे अपने घर जाना है और पिछली बार मेरा एक्सपीरियंस जितना खराब रहा था ना, बस उम्मीद है कि इस बार ही उतना खराब ना रहे। अब इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें तो भाई मतलब शुभ काम की शुरुआत कुछ मीठे के साथ करनी चाहिए ना, और अगर आप में से कुछ लोग दिक्कत रखते हैं इस मीठे से प्रमोशन को लेकर ना, तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई अब से तुम्हारे भाई ने डिसाइड करा है कि तुम्हें मैं थोड़ा बहुत बख्श दूंगा, और हर वीडियो में अपने खुद के चॉकलेट ब्रांड हार्मनी चॉकलेट्स का मेंशन ना कर कर मैं हर 3 वीडियो में करूंगा। इस चैनल को चलाने के लिए ना वी नीड मनी, यू नो दैट वी नीड मनी एंड आई कैन नॉट आस्क मनी फ्रॉम यू। मैं तुम्हें स्कैम नहीं कर सकता। इस चैनल पे पर्सनली हम लोग मेन चैनल पे बेटिंग्स ऐप फिर भी प्रमोट करते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव वीडियोस बनती है, 40-50,000 एक वीडियो पे खर्च होता है। लेकिन इस वाले चैनल पे मैं पर्सनली बेटिंग ऐप्स वाला टंटा लाना ही नहीं चाहता उसको, इसलिए इस चैनल को थोड़ा बहुत सस्टेन करने के लिए मैं थोड़ा बहुत मेंशन करूंगा हार्मनी चॉकलेट्स का। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बॉदर करता है तो आप इसको खरीदना, क्योंकि ये एक्चुअली में डिफरेंट फ्लेवर है, मार्केट में बहुत यूनिक है। भाई रबड़ी इलायची फ्लेवर कौन सा ब्रांड बेच रहा है यार, एक बारी ट्राई करना, अगर आपको ना पसंद आए ना फिर मेरा नाम बदलना। चलो लेट्स ट्राई हार्मनी का रबड़ी फ्लेवर, फिर हम ट्राई करेंगे वन वन स्टार का खाना। हिम्मत चाहिए भाई। अब मेरा मुंह थोड़ा रिफ्रेश हुआ है, मजा आया, और अब मैं तैयार हूँ इस डेंजर को लेने के लिए। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो भाई पिछली वीडियो में आपने मुझे देखा था कि वन वन स्टार का क्लाउड किचन का खाना, मैंने बोला था कि इस वीडियो के ऊपर आप कितने मर्जी लाइक्स दे दो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, पर तुम्हारा क्या है यार, तुम लोग सच में उतने लाइक्स दे देते हो, तुम लोग उतना प्यार दे देते हो ना कि मजबूरन इंसान को दोबारा वीडियो बनानी पड़ती है। तो भाई आज तुम्हारा भाई लेकर आया है वन स्टार वर्सेस वन स्टार रेस्टोरेंट का खाना, जिनमें से पहले रेस्टोरेंट का नाम है ओम कॉर्नर। इसकी रेटिंग है करीब करीब 2 कुछ, क्योंकि उससे नीचे की रेटिंग तो ये जोमेटो स्विगी वाले दिखाते भी नहीं है। और इससे हमने मंगाई है पूरी भाजी और राजमा चावल। हाँ जी, मतलब 2 रिव्यू है और उसके बावजूद ये खाना हमें 1,000 का पड़ा है, मैं पहले बता रहा हूं। ओहो, दूसरे वाले का नाम है 24/7 तंदूरी वर्सेस तवा। क्या बात है, महंगा नाम, मतलब सेम पूरी भाजी हमने ऑर्डर करी है क्योंकि आई नो कि थोड़ा सा कंपैरिजन एक जैसा होएगा तो ज्यादा मजा आता है। और दूसरा हमने ऑर्डर करा है गोभी नान की थाली, और ये भी करीब करीब अपना उसी रेंज के आसपास की बढ़िया, मतलब प्राइस रेंज की जहां तक बात करूं तो दोनों वन स्टार रेस्टोरेंट ने रेट्स तो बिल्कुल सिमिलर रखे हुए हैं। टेस्ट कितने महान है पता लगाएंगे, हालांकि पिछले एक्सपीरियंस के बाद तो मुझे पता चल ही चुका है इनके टेस्ट कितने महान निकलते हैं। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द लुक, देखो एक बार देखो इनकी शक्लें, आपको देखकर ही पता लगेगा कुछ फिशी है, मतलब कुछ गड़बड़ निकलने वाली है इस खाने में। हाँ चलो, इससे पहले मैं ना इनका खाना टेस्ट करूं, मैं उससे पहले पता क्या करना चाहता हूँ, मैं उससे पहले इनके कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पता तो लगे। इस बंदे का नाम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं ताकि आपको भी दिखा पाऊं, आपको ना लगे फेक है। इस बंदे का नाम है ललित। वैसे ललित नाम के बंदों को किसी और के खाने की बुराई निकालने का हक नहीं है। ललित कह रहा है द टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द फूड आर सो बैड दैट आई हैव नेवर हैड सच फूड इन माय लाइफ। द रायता इज जस्ट लाइक वाटर, इट डजंट इवन सीम लाइक रायता। मतलब बंदा कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना गंदा खाना नहीं खाया। इन गार्लिक नान, गार्लिक इज नॉट पील्ड विद आउटर लेयर व्हिच इज नॉट एडिबल एट ऑल। बिना छिले गार्लिक डाल दिए गार्लिक नान में, पर पता नहीं क्या कितना मेरे को डर लग रहा है अब इनके कमेंट्स पढ़ने के बाद, पर देखो अब कैसा निकलता है टेस्ट, आओ पता लगाएं। कांप कर रही हो। आओ सबसे पहले ओम कॉर्नर की पूरी आलू से शुरुआत करें। अच्छा निकले यार, प्लीज पानी से पतला आलू की सब्जी है। मैं क्यों आ गया तुम लोगों की बातों में, ये वीडियो मैंने क्यों करी दोबारा। भाई मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। डीजल में पूरियां तल रखी हैं, डीजल में मतलब ये ऐसा टेस्ट है ब्रदर, आप जो पेट्रोल पंप पे सूंघते हो ना, जस्ट इमेजिन आपके लिए उसमें पूरियां तल के दे दी हो। भाई साहब क्या बवासीर है यार, आलू की सब्जी दो फिर भी बहुत डिसेंट, बट पूरी में गड़बड़ है ब्रो, पूरी में गड़बड़ है, कसम से पता लग रहा है वन स्टार वाला कारिस्तानी। अगला ट्राई करते हैं ये मैं इस चैनल पे लाइव मरूंगा, तू किसी ना किसी दिन मैं इस चैनल पे लाइव मरूंगा, तू देखियो मेरी मौत वीडियो में टेलीकास्ट होगी, मैं ये इन्हीं वीडियोस में से किसी एक में काम हो जाएगा मेरा, मैं और वन स्टार बनाता रहना मेरा हो जाएगा दी एंड। आओ अगला ट्राई करते हैं हिम्मत जुटा के। मुझे अपने घर जाना है। इधर स्निफ इट। चरस गाने सब मिला है इसमें। ब्रो आई कांट डू दिस वन स्टार वाली सीरीज एनीमोर यार।
किए। जोमैटो और स्विगी की रेटिंग इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, मैं तो अब नोटिस कर पा रहा हूँ इन वीडियोस से कि मतलब जिन रेस्टोरेंट्स पे एक्चुअली में 1-2 star रेटिंग है, देयर फूड इज एक्चुअली टेरिबल, लिटरली बैड। एंड वो लोग अपनी रेटिंग देखकर व्हाई आर दे नॉट इंप्रूविंग देयर टेस्ट, आई डोंट नो। क्योंकि उसके बाद यार 2-2.5 star पे बहुत बंदे सोचते हैं देखो ऑर्डर करने से पहले, तो सुधार लाना चाहिए, दिस इज माय सजेशन। आओ चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम राजमा चावल, व्हिच डज नॉट लुक प्रॉमिसिंग एट ऑल। कच्चे राजमा, ये देखो इतना जान लगानी पड़ रही है राजमा को पिघालने के लिए भी। भाई हर चीज में ढक कौन सकता है, राजमा चावल में हगा है, पूरी आलू में हगा है, हर चीज में हगा है, बराबर बिल्कुल इक्वल, कोई भेदभाव नहीं, बराबर हगा है। और आप लोग पिछली वीडियो में बोल रहे थे ना यार कि लोगों को नसीब नहीं होता, तुम खाने की बुराई कर, सालों मेरे को ईमेल आईडी दो, तुम मुझे ईमेल आईडी दो, तुम्हें पार्सल मैं अपने खर्चे भेजूंगा तुम्हारे, तुम खाओ मेरे को बताओ ये कैसा लग रहा है एक बार। आओ लेट्स ट्राई लास्ट चीज, दूसरे 1 star लास्ट अपने 24/7 1 star का, ये गोभी का पराठा विद क्या सब्जी है, ये बॉटम तक चम्मच गया है तब तो पता लगा है सब्जी क्या है। भाई बवासीर, ये तो टट्टी है। इन दोनों खाने को मैं डिफाइन करना चाहूंगा बवासीर, हालांकि आई नेवर टेस्टेड बवासीर इन माय लाइफ बट दिस इज व्हाट इट वुड टेस्ट लाइक। और दोनों के दोनों 1 star रेस्टोरेंट किसी काबिल नहीं है, दोनों जीतने के काबिल नहीं है, दोनों हारते हैं। और इस वीडियो में अगर किसी की जीत होती है ना तो वो होती है हार्मनी चॉकलेट की भाई, क्योंकि यही खाकर मजा आया था, बाकी सब में तो मेरा मजा खराब हो गया था। बाकी फिर भी आपका क्या कहना है और क्या मेरे को अब और रिस्क लेना चाहिए अपनी जान के साथ और 1 star vs 1 star वीडियोस बनाकर कमेंट्स में बताना प्लीज, वैसे तो मत बताना। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जाओ यार आप चले जाओ प्लीज।